हेलो फ्रेंड, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, एमसीसी राउंड 2 का रिजल्ट आया, उसमें ईएसआईसी आईपी वार्ड का इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन जब फाइनली रिजल्ट आया उसमें ईएसआईसी आईपी वार्ड का जो रिजल्ट आया उसमें काफ़ी लो कट ऑफ गया, यानी कि लो स्कोर वाले स्टूडेंट को भी सीट मिला कैटेगरी वाइज। तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है आईपी वार्ड, उसमें क्या रहा कट ऑफ। अगर सबसे पहले हम बात करें आईपी वार्ड का, ईएसआईसी आईपी वार्ड का, तो उसमें देखिए यहाँ पे जो आपको दिखा हुआ है ईएसआईसी फरीदाबाद जनरल कैटेगरी को 602 पे नीट स्कोर पे सीट मिला, ईडब्ल्यूएस को 600 नीट स्कोर पे सीट मिला, ओबीसी कैटेगरी को 572 पे, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को 449 पे, एसटी को 365 पे मिला और पीडब्ल्यूडी के 180 पे मिला। तो ये था राउंड 2 का मॉप अप राउंड, और नीचे जाने की चांसेस है ईएसआईसी आईपी वार्ड का, और जो स्टूडेंट के पास आईपी का वार्ड है वो इजीली सीट ले सकते हैं मॉप अप तक। वहीं बात किया जाए ईएसआईसी कोलकाता का, तो ईवार कैटेगरी को 548 पे सीट मिला लास्ट सीट, ईडब्ल्यूएस को 540 पे मिला, ओबीसी को 539 पे मिला, एससी कैटेगरी को 365 पे और एसटी का 119 पे मिला। तो और जो कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी एससी एसटी से, मॉप अप राउंड में इनको कम स्कोर पे भी और कम है इससे उन्हें सीट आसानी से मिल सकता है। जिस स्टूडेंट के पास आईपी वार्ड का कोटा है, आईपी का कोटा है, वो अपना आईपी के कोटा को यूज कर सकते हैं और अपने सीटों को ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको ऑल इंडिया कोटे के जो फाइनली जो था एआईक्यू का वो काउंसलिंग लगभग समाप्त हो चुका है राउंड 2, अब मॉप अप नहीं होगा इसके लिए। तो इसके लिए जो स्टूडेंट को अभी तक सीट नहीं मिला है और स्कोर कम था, वो अपने अपने स्टेट के स्टेट काउंसलिंग करें, और जिनका बिल्कुल नीट स्कोर कम है वो भी प्राइवेट के लिए ट्राई करें। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का कट ऑफ गया, काफ़ी लो चला गया कुछ कुछ कॉलेजेस का, और कॉलेज का क्वालिटी सही नहीं होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कॉलेज को छोड़ रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि डीम्ड अगर नहीं लेना चाहते हैं, डीम्ड का क्वालिटी पसंद नहीं है कॉलेज का, तो आप प्राइवेट कलर के तरफ भी मूव कर सकते हैं। हो सकता है आपको जो डीम्ड का फी स्ट्रक्चर है उसी बजट में, उसी फी स्ट्रक्चर में आपको आराम से सीट मिल सकता है, और उससे कम में भी मिलने के चांसेस बन सकते हैं, यानी कि आपको 30 लाख 40 लाख का आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।